हमारे टेलीविजन के चंद सबसे ज्यादा खूबसूरत कपल्स में से एक ने अब पाया अपनी मोहब्बत को, तो फिर देर किस बात की, बुला लो ये लोग तो मिलना चाहते हैं। क्या आप लोग मिलना चाहते हैं अब, क्योंकि आपकी हाँ की मुझे आवाज नहीं आने वाली, लेकिन आपके उफ, मेरी ऑडियंस इतनी एक्साइटेड है, मुझसे और वेट नहीं हुआ जा रहा। बुला लें, किसको बुलाने वाले हम लोग? हाँ, ये कौन है? प्लीज वेलकम दानिश तैमूर एंड आयजा खान। जबरदस्त, वेलकम टू द शो दानिश एंड आयजा। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का। पहली ईद आपकी और हमने आपको शो पे बुला लिया। मैं जानती हूँ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको अपनी सास के यहाँ जाना होता है और आपको अपने घर पे रह के सब कुछ काम वाम करना होता है, लेकिन हमने सोचा नहीं, क्योंकि आपकी पहली ईद है, हमने आपको यहीं बुलाना है। इससे पहले कि आप ऑडियंस से मिले, या मैं आप लोगों का ये नकाब जो आपने पहना हुआ है वो उठाऊँ, मैं चाहती हूँ आप लोग बैठ जाएं। दिख रहा है आप लोगों को? प्यार तो देखे, हाथ पकड़ा हुआ है बीबी। दानिश, शादी हो चुकी है, क्या हो गया, काफी वक्त हो गया, हाथ छोड़ दे, नेशनल टेलीविजन है ये। आप मुझे बताएं, निकाब इनका उठाएं कि नहीं उठाएं? आप लोगों ने इनको टीवी पे देखा हुआ है, इनको एक्टिंग करते हुए देखा हुआ है, इनको टीवी शोज पे देखा हुआ है, तो निकाब उठाने की क्या जरूरत है? ऐसी बात करते हैं, सामने से देखना चाहते हैं? जी। मेरे ख्याल से माइक मुझे दे दें, अब मैं इनका नकाब उठाने वाली हूँ। चलें जी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले किसका, आयजा देखनी है या फिर दानिश? ये क्या बात हुई, आयजा पहले देखनी है, दानिश नहीं देखना? दानिश भी तो आए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं ऑडियंस से किसी को चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ आए और आयजा का दुपट्टा उठाए। पूछा भी नहीं सीधा। शुक्रिया जी, आ जाए। आहिस्ता 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 आहिस्ता, रेडी गेट सेट, आराम आराम से, रेडी गेट सेट गो। क्या हो गया? एक सेकेंड, ये देना, ये सच में आयजा नहीं, प्रॉमिस, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ, आयजा कहाँ है? एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, ये आयजा नहीं चलेगी? ये क्या था माइक पे? नहीं, ये आयजा नहीं चलेगी, ये आयजा नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से इनका नाम भी आयजा, तो मेरी टीम ने कन्फ्यूज कर दिया कि किसी और आयजा खान को ले आए। अब क्या करूँ, दानिश तो होगा, चलो दानिश से बात करते हैं। उठाने वाली हूँ, रेडी यू आर, आप लोग एक्साइटेड नहीं लग रहे? उठाओ नहीं उठाओ, ये दो ये दानिश नहीं है, ये सच में दानिश नहीं है। चले ऐसा करते हैं, अब आपको उनसे मिला ही देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ब्रेक तो नहीं लेनी कहीं? बिल्कुल हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन हमारे गेस्ट हैं, थैंक यू वेरी मच शो पे आने के लिए। आप लोग ऑडियंस में जाए, मज़े से शो देखें, और हम असली दानिश आयजा को जल्द से जल्द बुलाएंगे। बहुत सारी तालियां इनके लिए। ये दानिश आयजा नहीं, मगर बहुत अच्छा कपल है। इनकी भी शादी को 6 महीने हुए हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और हमारी दुआएं हैं ये हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे। अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो, और हम टीवी के सारे तमाम कमर्शल्स, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही, आज की ईद आपके साथ मनाऊंगी, और मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ मनाएं। तो जाएं एक छोटी सी ब्रेक, जागो पाकिस्तान। जागो पाकिस्तान जागो।
मुबारक पाकिस्तान, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद हमारी है। उफ, ये ईद हमारी है, इतना जोश जी। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका था आप सबको इंतज़ार। एक कपल जिसकी शादी की तस्वीरें आप फेसबुक पे देखते थे, लाइक करते थे, बहुत पसंद करते उन्हें, हर शादी में, हर जगह, हर बर्थडे में एक ही टॉपिक था, आयजा और दानिश की शादी। इनकी शादी हो रही है, पहले तो ये था इनकी शादी हो, रेली नहीं नहीं शादी नहीं हो सकती, फिर ओह इनकी शादी हो गई, पिक्चर्स देखनी, ओफ शादी की वीडियो देखनी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें हम आज अपने शो पे सारे राज खोलेंगे, कैसे कब क्यों। ये एक ऐसा कपल है जिसकी शादी है ना टॉक ऑफ द टाउन बन गई, क्यों ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बस बहुत हो गया, बहुत तारीफें हो गई, बहुत चर्चे हो गए, अब ज़रूरी हो गया क्योंकि मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए और जानने के लिए कि इनकी स्टोरी क्या है। तो फिर दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम ब्रेक पे नहीं जा रहे, हम बुलाने वाले हैं आयजा एंड दानिश को, लेकिन एक काउंट डाउन के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बात करने का मौका मिलेगा, कहाँ बैठना पसंद करेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, आप जहाँ बिठाएंगे बैठ जाएंगे। क्या बात है भाई, कैसे हैं दोनों, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, तुम्हें ईद मुबारक, आपको भी बहुत 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 ईद मुबारक। क्या एक्साइटमेंट है, दो दफा तो मैंने इनसे बड़ा झूठ बोला है, फिर मैंने कहा मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, अब बुला लूं मैं असली आयजा और मैं आवाज आ रही थी, इतने हंगामा हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना सब कुछ, क्योंकि आप लोग नहीं आ रहे थे। मैं बुलाई नहीं रही थी। मैंने कहा इनको इतनी आसानी से दानिश और आयजा को बुला दे, क्यों इतनी बड़ी शादी की, टॉक ऑफ द टाउन, सबको पता चल गया, ओ आयजा और दानिश की शादी होगी, क्या हो रहा था। मैंने कहा जरा आराम से, इतना इंतजार करा तो थोड़ा और सही। कैसी जा रही है पहली ईद आयजा? बहुत मजे की, कभी नहीं सोचा था इतनी अच्छी जा रही है, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा कि मैं अपने घर में हूँ या इनके घर में हूँ, सब माशाल्लाह एकदम से सुबह होती है सब साथ, मामा आ गई, सारे लोग आ गए, तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताएं कि दानिश ने ईदी दी अभी तक? बकरीद पर ईदी होती है, बकरीद पर। देखिए हाँ मैं मानती हूँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेकिन यहाँ एक खातून शो कर रही है और ईदी तो बनती है, बिल्कुल ईदी बनती है, तो मुझे बताएं दानिश ईदी दे। वैसे शादी के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट हर दूसरा दिन ईद का ही दिन होता है। तो हर दूसरे दिन ईदी मिलती नहीं, तो कोई चीज़ है नहीं, नहीं ईदी चाहिए ऐसा? हाँ चाहिए, नहीं चाहिए? चलो भाई अब दूसरी चीज, वॉलेट निकाल, इससे मुझे अपनी, अच्छा लिसन मुझे जूता छुपाई याद आ गई, मेरा वॉलेट, मेरे फोन से वो मेरे मैनेजर के पास होते हैं और वो बाहर बैठा होगा। अरे झूठ कहाँ से झूठ। अच्छा चले कोई बात नहीं, अब आप बस ये प्रॉमिस कर दें कि आप पूरा वॉलेट दे देंगे हाथ में आयजा के, खाली नहीं देंगे, खाली खाली होगा उसमें क्रेडिट कार्ड होंगे, ब्लैंक चेक तो लेके जाना पड़ेगा इन्हें, ब्लैंक चेक चाहिए? नहीं शादी की उस दिन इनके नाम कर दिया था। सब लोग इतने एक्साइटेड हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए, सब लोग इतने एक्साइटेड हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये?
स्टार्ट तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 6 साल हो गए थे. हाँ माशाल्लाह 6 साल पहले वी वर इन रिलेशनशिप. उसके बाद चीज़ें बीच में थोड़ी सी ख़राब हो गई. फिर आपको जहाँ पहुँचना होता है आपकी मंजिल पे जिस टाइम पर पहुँचना होता है आप ना उससे पहले कभी पहुँच सकते हैं ना उसके बाद. वो एग्जैक्ट टाइम है, नहीं पहुँचते. वो वक्त लिखा हुआ है, वो वक्त लिखा हुआ है. और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए. ये नहीं ज़्यादा इंतज़ार किया आयशा ने, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा आयशा ने किया. इंतज़ार के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस इंतज़ार से पहले आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. उफ, ब्रेक पर जाने वाली थी लेकिन मैंने सोचा ब्रेक पर जाने से पहले एक बात आपसे पूछूंगी. सोचा था, ये बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि नहीं होगा. मुझे तो लाइफ कहीं और टर्न कर गई थी, जाने दो. जब भी टर्न करने का हम सोचते थे कहीं कनेक्ट हो जाती थी. हमने अलग किया, हम बिल्कुल राइट लेफ्ट हुआ. अचानक से एक ड्रामा हमें ऑफर हुआ और वो ऐसा बनी सब चीज़ें कि हम दोनों सामने आ गए. प्रोड्यूसर्स और इनका बड़ा बहुत बड़ा हाथ है आपकी. सिर्फ अल्लाह का था, अल्लाह सारी चीज़ों में मुझे लगता है अल्लाह ने प्लान किया. अच्छा मुझे बताएं जो ड्रामा आपने किया सबको खुशी हो रही है क्योंकि ये वाली बातें किसी को नहीं पता ना, सबको खुशी हो रही है. जब ड्रामा आप लोगों ने किया तो रियलिटी से आपकी स्टोरी काफ़ी मिलती जुलती थी या नहीं थी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, कोई बात नहीं. दानिश में क्या चीज़ अच्छी लगी? एक चीज़ तो नहीं, सब कुछ अच्छा है. एक चीज के साथ तो हम शादी करते हैं. अच्छा, पसंद पहले किसने किया, दानिश ने किया या आयशा आपने? ओहो, एक दूसरे को मैंने पहले किया था. उसके बाद उस वक्त ये 6 साल पहले बहुत यंग थी और इसकी चीज़ें उस तरह समझ में नहीं आती थी. अभी तो बुढ़ी हो गई जैसे. नहीं, कुछ ज़्यादा यंग थी उस वक्त. कुछ ज़्यादा बच्ची थी. बच्ची थी. हाँ, वो उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी तो उसको समझाने के लिए, इसको सही बातें बताने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता था. अच्छा, उस वक्त हमारी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी. उन्होंने ना ये बोला था आई लव यू या कोई चीज़, हमारी डायरेक्ट हुई थी मुझे शादी करनी है तुमसे. मैंने कहा ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी शायद. मैं मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में आई थी और वो शादी का हमारी फैमिली में दूर दूर तक नहीं होता. वो अचानक एक बंदा मुझे बोले और कभी मेरी किसी से ऐसी बात भी नहीं हुई. और ये शादी भी और बोला नहीं, हमारी बात हुई थी शूट से पहले. कैसी बातें करें शूट पे, थोड़ी ऐसा अलग से हम बात करने. शूट पे तो मेरा ख्याल है आप हम आपस में भी काम करते हैं तो हम एक दूसरे की बात भी नहीं कर पा रहे होते. नहीं, हमारा बस ये होता है कि काम करें काम करें काम. आयशा बहुत बोलती है दानिश, है ना? वेरी टॉकटिव, बहुत बोलने. इससे ये आदत आपको पसंद आई? आदतें तो घर सारी इसकी अच्छी हैं, कोई बुरी आदत तो नहीं है. हाँ, कुछ दफ़ा बस दफ़ा ऐसा होता है कि आप शूट से वापस आते हैं और टा 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 टा. और एक बंदे का सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है. जवाब दें, इसका जवाब है. आई थिंक सो इज ऑल द बैंड्स, सारे आदमी ऐसे होते हैं. ये कोई फेयर नहीं है. शादी से पहले भी होता था जवाब, ये यूं होता था. हाँ, पहले भी ये होता था क्वेश्चन मार्क. क्या मैंने इतना बड़ा मैसेज लिखा है? हाँ, मैं शूट में हूँ, एक मिनट. सीन इतनी देखें. हाँ, तो अब वो है कि समझ आ गई है. 6 साल माशाल्लाह इतना लंबा अरसा था कि आप बुराइयां अच्छाइयां सबके साथ आदत पड़ गई. तो इतनी लड़ाइयां हो गई कि अब माशाल्लाह लड़ाई होती थी तो अच्छा 2 घंटे बस खत्म. ये तो वो वाली है यार, 2 साल पहले भी ये कह रहे हैं. ये वही रिपीट हो रही है की बात. अच्छा, लड़ाइयों पे भी बात होगी, बहुत सारी बातें और होंगी. कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दूं कि हम आपको वीडियो दिखाएंगे दानिश और आयशा की शादी की. आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ा आया, कैसे लग रहे थे वो लोग. और इसके साथ ही हम दानिश से पूछेंगे कि वो आयशा को पहली बार आई लव यू कब बोला उन्होंने. एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो. ये ईद जागो पाकिस्तान जागो
खुशी है या दानिश और आयजा के आने की खुशी है? मैं कंफ्यूज हूँ। मैं समझ गई किस बात की खुशी है, इसका जवाब मैं लेना जरूरी नहीं समझूंगी। खैर, ईद मुबारक पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? आपका फेवरेट कपल मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाएंगे इनकी मेहंदी की, इनके डांसेस की, इनके निकाह की, कैसे हुआ ये सब। जाने से पहले मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, दानिश आई लव यू पहली दफ़ा कब कहा? मेरा ख्याल है मिलने के एक महीने बाद, लेकिन सिर्फ आई लव यू नहीं कहा था। ठीक है, मैंने कहा था शादी भी करनी। आई लव यू, लड़के की सिंसियरिटी देखे, सीधा शादी। सिंसियर तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, सिंसियर तो मैं था। अच्छा, क्या हुआ पहली दफा देखा आयजा को, पहली दफा में ही अच्छी लगी या थोड़ा काम कर सही है? हाँ, हो सकता है कुछ, क्या कोई ख्याल आया था शुरू में? ये शुरू में कुछ नहीं था दोस्त, ये इसके करियर स्टार्ट करने से काफी पहले की बात है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले की, राइट? उस वक्त कोई शूट वगैरह कोई चक्कर नहीं था, उस वक्त मैं आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम। ठीक है। फिर मैं बल्कि बताया भी करता था, यार आज मेरी इसकी शूट है, यार आज उसकी शूट है। हाँ। बड़ा ये इम्प्रेस होती थी। अच्छा, आगे शूट कर, वाव। हाँ, मैं सामने कहती थी कि अच्छा ठीक है दिल में। लड़कियों को नहीं बताना चाहिए, है ना? हाँ, ज्यादा नहीं बताना। अब बता दिया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बता दिया तो शादी कर ली। आई एम श्योर आयजा को बहुत दफा आई लव यू बोला है, ठीक है, लेकिन मेरी ऑडियंस के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने तो आई लव यू नहीं बोला। उसी अंदाज में, वैसे प्यार तो आप दोनों में इतना है कि जब भी बोलेंगे वही अंदाज आएगा, एक दफा आई लव यू हो जाए। मैं बहुत ही बात आई लव यू सुनने में शर्म ज्यादा। तभी तो आयशा मैं तुमसे नहीं कह रही, मैं तुम्हारी साइड में कह रही हूं, वो बोले शर्माती मुझे थोड़ा सा ना। मेरी शादी के बाद वैसे भी कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आफ्टर ऑल चीज आई लव यू। एक सेकंड, नहीं ये कोई एक्टिंग नहीं हो रही, दिल से आई लव यू, दिल से। और मतलब किस आप जब तक सोचे कि किस अंदाज में कहेंगे, तब तक मैं जरा बड़ा सा फूल निकाल के अब थोड़ा मजा आएगा। I love you कहने में और ये white flowers, चलो anyways। Baby I love you ये मैंने अपनी क्यारी में खुद उगाए हैं, और ये सोच के उगाए थे कि इन फैक्ट आई लव यू कहने से पहले गुलाब समझ के उगाए थे, वाइट हो गया बेचारे। नहीं नहीं, आई रियली लव यू, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। और जब फर्स्ट टाइम तुमको देखा था, जब से लेके आज तक तुम्हारे लिए एक ही फीलिंग है, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर मेरी आखिरी सांस तक वही फीलिंग बरकरार। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी शामिल हो। वेरी नाइस, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। शर्म आ गई। ऐसा क्या? ये मेरी टीम में है या इनकी? अब ये इनकी टीम में, आप सब मेरी टीम में। इतना प्यार, आई लव यू का जवाब तो देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। आयजा एक सेकंड, मैं डायरेक्टर हूँ, फिक्र ना करो, ये एक्टिंग हो रही है, ठीक है? ये असली में शोहर है इनके। स्टैंड बाय, रोल कैमरा एक्शन। मैं तो देख ही नहीं रहा, मैं तो सामने ऑडियंस को देख रहा हूँ। नेक्स्ट शॉट, बताओ कैसे देख। नेक्स्ट शॉट, नो प्रॉब्लम, आर यू रेडी? एक्शन। नहीं, आई लव यू तुम्हारी तरफ से भी, आई लव यू। मुझे अंदाजा हो गया है कि 6 साल क्यों लगे शादी के लिए, आई लव यू ही नहीं हो पा रहा था। एक और सवाल, दानिश ने पहली बात जो आपसे की आपको याद है कि नहीं? पहली बात जो मुझसे की थी, पहली दफ़ा मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, तो मैं बोल नहीं रही थी। तो मैं तब बात करो, ओ बात करो, ओए क्या हो रहा है, बात करो। क्योंकि एक्चुअली जब लिखना होता है ना, तो मैं बहुत स्पीड में लिखती हूँ, प्रेजेंटेशन बनाती हूँ ना, तो मेरी स्पीड,
तो मैं पूरा लिख देती हूँ सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल ऑपोजिट है और मैं टेक्स्ट नहीं कर सकता हूँ, ये मैसेज नहीं कर सकते इनका, ओके यस हाँ कमिंग, ये वाला होता है खाना खा लिया ये कर लिया वो नहीं है तो क्या मतलब पूरा तो कोई लिख के देता। मैं तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस करती हूँ फिर मैं कहती हूँ, वो कहते मैं पढ़ा नहीं, पढ़ लेते हैं सारे मैसेजेस अगर बीच में कोई बात बोलो ना कि ये बात तुमने तो वो ये लिखा था मुझे तो याद है। ठीक है पहली बात यही थी कि मुझे, मैं नहीं बोल रही थी, ये बोल रहे थे बात करो बस यही था कि अच्छा बात कराओ अम्मी से जरा सीधा कराओ अच्छा लड़कियां डर जाती हैं। हाँ तुम बात नहीं करोगे, अम्मी से करूंगा, अम्मी से कह दूंगा कि शादी करनी है, अम्मी को बोल दूंगा सारा कुछ। तो प्रेशर में आके तो मोहब्बत नहीं हुई? नहीं एक होता ना प्रेशर वाली मोहब्बत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे हाँ मैं भी मैं कर लेती हूँ मैं कर लेती हूँ मसला नहीं मैं कर लूंगी प्यार अम्मी से कब मुलाकात हुई दानिश आपकी? मेरे ख्याल से 2 महीने बाद। डर लग रहा था? नहीं डरने की क्या बात है, शादी करने जा रहे हैं यार डरने की क्या बात है, लेके जा रहे हैं पहली दफा लड़की की अम्मी से नर्वसनेस। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप किसी के बॉयफ्रेंड हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड है, उस वक्त मिलने में आप लोग बड़े यार हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है मामा मेरी गर्लफ्रेंड, जहाँ शादी की बात आती है जी शादी में भी यही होना चाहिए यार, शादी के लिए जा रहे हैं लड़की लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा चुराने वाला सवाल आपसे पूछने वाली हूँ। ये बताएं कि जब आपका रिश्ते की खबर मशहूर नहीं हुई थी फिर भी लोगों को आइडिया था, कोई अगर तारीफ कर दे आयजा के बारे में, जैसे आप पसंद करते हैं आयजा को, शूट पे कोई तारीफ कर दे यार आयजा खान बहुत अच्छी है यार पसंद है मुझे, तो मेरा जवाब आगे रेडी होता था। क्या होता था? भाभी है तेरी भाभी गुस्सा आता था? नहीं वो गुस्से वाली बात करने से पहले वहाँ रुक दिया करते ना, भाभी है भाभी भाभी है बेचारा आगे का रिएक्शन। हाँ मैं भी कह रहा था भाभी के लिए अच्छी लगती है, वो तो एक सडन रिएक्शन होता ना यार, वो आयदा खान हाँ भाभी थे हाँ यही मैं हाँ आप दोनों की बहुत अच्छे लगेंगे दोनों साथ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जब बीच में जो टर्निंग पॉइंट्स थे जहाँ थोड़ा सा ऑफ जा रही थी चीजें, वहाँ भी यही आपका रिएक्शन होता था या आयजा के बारे में कुछ नहीं सुनते थे? नहीं इसके इसके अगेंस्ट तो कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, मुझे लोग आके बता देते कि तुम लोग नहीं हो बट दानिश तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनते और मेरे बारे में जो जो कुछ इससे बोला है जिसने सबको जानता हूँ। मुझे हमें बात करने का बहाना मिलता था ना, पता है आज ये हुआ पता है आज ये बात की, वो एक बहाना होता था हमें, अच्छा चलो एक घंटा बात करते हैं अच्छा दिल उधर ही था लेकिन बहाना चाहिए होता था कि आज हाँ। मैं बता इसने ये बोला तो मैंने कह दिया दानिश ऐसा नहीं है मतलब बुराई तो नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, बुराई नहीं सुनी हमने कभी एक दूसरे की। अच्छा जब घर वालों को पता चला ऐसा कि दानिश इंटरेस्टेड है शादी करना चाहता है, घर में वो नहीं हुई कि नहीं नहीं क्या कुछ दे वर ओके विद इट? मामा से सबसे पहले मैंने डिस्कस की थी सारी चीज़ें, मामा मेरी फ्रेंड है मतलब हर चीज़ के अंदर, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है सिर्फ अम्मा है मेरी, तो सारी चीज़ें उनको बता देती हूँ बगैर वो समझ के लड़के की बात कर रही हूँ कुछ कर रही हूँ, कभी लाइफ में हुआ नहीं। दानिश एक पहला आदमी था कि वो एक वो था ना कि मामा को बताने में वो ऐसा था कि अच्छा आप पहले वो ये बात है, तो मैंने बता दी थी फौरन से कि मामा वो ये हैं और कह रहे हैं कि शादी करनी है और ये मुझसे बात करती हूँ मैं इनसे, तो अब आप बताएं क्या करना है आप देख लें। अम्मी ने कहा मुझे मिलाओ, अम्मी मिली, अम्मी इनसे मिली थी, फिर तो उनको पसंद आया, बस फिर अम्मी ने संभाल लिया, फिर अम्मी ने संभाल लिया सारे कुछ और फिर ये सबको बहुत पसंद आया। क्या डेडिकेशन है लेकिन फैमिली में कोई एक तो होता है जो नुक्स वो निकालती है कि नहीं कोई खाला या पप्पी नहीं यार इसमें ये मसला नहीं है, तुम सोच लो कर रही हो उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, कुछ ऐसा हुआ? हम दो कोई विलन था शायद सारी बातें कर लेते यार अगर किसी ने ऐसा कहा तो हम ये जवाब देंगे ऐसा हुआ तो ये कर लेंगे तो हैंडल हो जाती सारी, मतलब दोनों ने होमवर्क अपना पूरा किया हुआ था। क्या बात है। लेकिन अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सबसे पहली दफा शादी के बाद एक्सक्लूसिवली दानिश और आयजा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो कहीं नहीं जाएगा। बहुत बहुत ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान को, हम सब की तरफ से ईद मुबारक, देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो। ये ईद जागो पाकिस्तान जागो। जागो पाकिस्तान जागो। अस्सलाम वालेकुम जी,
एक्चुअली हम लाइव आ चुके हैं. ओह आई एम सॉरी. तो आपको हमारी तरफ से, दानिश और आयजा की तरफ से, पूरे हम टीवी की टीम की तरफ से, जागो पाकिस्तान जागो की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. आप सबको ईद मुबारक. बिल्कुल ईद मुबारक पाकिस्तान. आज ईद का पहला दिन जोरों शोर से मना रहे हैं और ये लोग बिजी अपनी बातों में हैं. हम आपको सुना रहे कहानी दानिश और आयजा की मोहब्बत की, किस तरह कहाँ कैसे पहुंची. आज मेहंदी की वीडियो भी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं. एक आध सवाल तो मैं पूछ लूँ. इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को? लड़ाई कौन करता है? दोनों. नहीं, बहुत लड़ती थी. ओहो, सोच मुझे तो बात करने का बहाना चाहिए तो मैं लड़ लेती हूँ. झगड़ा करूंगी तो जहाँ हम 5 मिनट बात कर रहे हैं वहाँ हम 1.5 घंटे बात करेंगे. इसलिए लड़ती थी. मैं मानती नहीं थी. मैं और स्टूपिड बातें करने लग जाती हूँ साथ साथ के, और नाराज हो और नाराज. देखो ऐसा गुस्सा आ रहा है मुझे. मैं कहा अच्छा ठीक है. नेक्स्ट डे मेरी शूट होती थी. मैं कहता देखो आई नीड टू स्लीप. नहीं नहीं वो तो यूं हुआ था. अब ये करते करते जी 4 कप बज गए, मेरी आंखें झूठी बन गई. अच्छा छोड़ें, अच्छा खत्म. अच्छा बेचारा सुन भी रहा था. अच्छा 4 बजे फिर हो जाती है बस. ओके ठीक है, आप सही कह रहे हैं. हाँ हाँ वो तो पहले ही मान चुकी होती हूँ मैं. वो वैसे एक ड्रामा इंटेंशनली करती है. इंटेंशनली आपको पता होता था? मुझे बाद में आइडिया, एक साल में आइडिया हो गया था. अच्छा और इसको बातें करनी है. अच्छा मुझे बताएं कि मनाता कौन है? दोनों में से कोई भी मना रहता, डिपेंड्स. नहीं ज्यादातर कौन मनाता? दोनों में ईगो प्रॉब्लम नहीं थी शुरू से. हाँ हम दोनों होता है. अगर मैं मनाती हूँ तो मैं ये होता है कि फिर खुद नाराज हो जाती हूँ. फिर कहती अब आप मनाएं तो बराबर हो जाते ना फौरन. अच्छा अब आप मनाएं. लास्ट टाइम मैंने मनाया था, अब आपकी बारी है. देखिए आपको मनाना है इसी वक्त. मतलब अगर मेरी कोई बात है और मतलब इनकी कोई बात मुझे बुरी लगी है, अब वो मुझे मना रहे हैं, अब मैं मान गई ठीक है, या इनकी कोई बात हुई, हम लोग मतलब मान जाते हैं. लेकिन जब मैं भूल गई बात. मैं कंटिन्यू करता हूँ. बेसिकली होता ये है कि किसी बात पर इन्होंने मुझे मनाना है, मैं रूठ गया हूँ. तो इन्होंने अगर मुझे मना लिया, मनाने के बाद खुद रूठ जाती थी कि आप तो मैंने मना लिया, मैं रूठी हूँ, अब तुम मुझे मनाओ. ताकि ये ना हो कि बहुत मना लिया मैंने. ये सही है भाई. आयशा को पूरा पता. प्लीज आप लोग आए. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आए हैं ईद पे. मैंने कुछ नहीं, मैंने सही से कुछ ऑफर नहीं किया. प्लीज जूस. नहीं नहीं, इट्स मोर देन एनफ. थैंक यू वेरी मच. हम लोग खाने लग गए थे. जी जी क्या खाएंगे आप बताइए, मैं आपको निकाल के देता हूँ. क्या खाएंगे आप? हाँ आज वैसे आयजा निकाल के देती होंगी दानिश को. मैं चाहती हूँ आज दानिश निकाल के. आया प्लीज. मैंने अपना काम भी आसान कर दिया. जी मुझे ये भी प्लीज, मुझे आवाज ही लगाएगा. वो कहाँ है आयजा? वो कहाँ है आयजा? वो नहीं. अच्छा कभी ऐसा होता है प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं आप, ये दानिश आप और आयजा, तुमसे कभी पूछते हैं कि ये कर लूँ, ये कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट? हम हमेशा पूरा स्क्रिप्ट, मैं इनकी पूरी, ये ज़्यादा बात करते हैं ना जिस दिन. थैंक यू. हम बैठ जाएंगे अपने लिए. जी मैं थोड़ी देर में हम साथ खा रहे हैं. थैंक यू. ठीक है तो प्रोजेक्ट्स का होता है कि ये डिस्कस करते हैं कि हम ये देखो ये स्क्रिप्ट आ रही है. तो उस दिन वो मुझसे खुद इतनी लंबी बात करते हैं. मैं तो जब लड़ती हूँ तो लंबी बात करती हूँ. मैं काम की बात को प्रोलॉन्ग करने के हक में होता हूँ कि काम की बात है उस पर डिस्कशन होनी चाहिए. ये क्या बात हुई? लड़कियाँ कभी फजूल की बात करती हैं क्या? करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है. इतना झूठ बोलते हैं आप लोग. मुझसे पूछे कोई, मैं करती हूँ. अरे और हमें पता होता है कि हम फजूल बात करें लेकिन फिर भी करते हैं. मजा आता है ना. कितनी बात होनी है, कितना मजा आ रहा है ना. बातें किए जा रही किए जा रही. पता नहीं मैं इतनी बातें करती हूँ. मुझे होता है अच्छा कम बोलूंगी. कोई ऐसी डिवाइस जो है ना वो दुनिया में ईजाद हो जानी चाहिए. आपकी वाइफ जहाँ बैठी ना यहाँ पर एक बटन बेटा बोलती रहा. मेरे ख्याल से एक बड़ा ज़रूरी काम आ गया है जो जिसका हमने आपसे वादे किया, पूरे पाकिस्तान से वादा किया है. आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, ये लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, सबके सब दिल थाम कर बैठे हुए थे. अब वक्त है कि हम आप दोनों की मेहंदी की वीडियो दिखाएं. तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं? ये हुई ना बात. मैं भी तैयार हूँ, आप लोग तैयार हैं एक दफ़ा फिर देखने के लिए अपनी मेहंदी की वीडियो? रेडी गेट सेट लेट्स वॉच इट. महकी महकी ये फिजाए गुनगुना. ये किसकी साइड है, लड़कों वाले की लड़की वाले की? वाली है. मेरे भाई, मेरे पापा, पप्पी, कजिन, छोटी बहन, सारी दुनिया है इसमें. सारी दुनिया. यू नो वी इनवाइटेड 300 और 400 पीपल एट मेहंदी एंड दे वर अराउंड 700 पीपल. Can you imagine? Oh God. सब खड़े हुए. नहीं. Extra पता नहीं कौन कौन. नहीं था हमारी शादी में. हमने यहाँ पर बंद करवा दी थी दरवाजे, बंद करवा दिए थे. Stop it. कौन? Random लोग आ गए थे.
आयजा बहुत अच्छा लग रहा है दुपट्टा जिस तरीके से लिया है एवरीथिंग हु डिड द मेकअप डबलेक्स में अक्षुभा जी से करवाया वेरी नाइस वेरी नेचुरल हमारे शादी के फंक्शंस में इतना गैप था कि हमें टाइम मिल जाया करता स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 8th ऑफ अगस्त और एंड्स अप ऑन 20 को वलीमा था 20 को वलीमा 13 दिन के फंक्शंस थे हमारे रोज कुछ ना कुछ रात में हो रहा होता था हमने भी नहीं देखी नहीं तो हमने भी नहीं देखी आप लोग के रिएक्शन चल रहे हैं एक तो ये मेरे सामने रख दिया ना फूल का गुलदस्ता कुछ नहीं दिख रहा मुझे आया है रोना कुछ अजीब था ना धक धक होने लगी हाँ मतलब वो कुछ गाने भी होते हैं ना वो सुन के भी हम थोड़े से वो हो गए थे यार बट अच्छा ही हो रहा है निकाह तो हमारा हो चुका था तो अब वो हर इवेंट ये था कि अब एक सीडी है हाँ जबरदस्त क्या मेहंदी हुई माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी आयजा इतना प्यारा जोड़ा था खुद किया है हाँ खुद किया बहुत मेहनत की मैंने कितने दुपट्टे वेस्ट हुए मुझे आप बता रही थी पीछे और मम्मी से इतनी डांट पड़ी बस ये ठीक है ऐसे ही है नजर भी नहीं आएगा नहीं मामा नजर आएगा आपको नहीं पता और दानिश को सारी स्टोरियां पता थी हर रात को आज ये हो गया ये वाला दुपट्टा मैच नहीं कर रहा दानिश को उसी वक्त अब मैं जा रही हूँ ना आज ये हो गया अच्छा तो ठीक है हाँ सारी बातें सुननी होती थी सारी बातें कैसा लगता है बातें सुनकर लड़कियों की और वो भी शादी के अब तो कुछ कर नहीं सकते आप लेकिन पहले भी मैंने कभी इसको ये नहीं बताया कि यार मुझे तुम्हारी ये बात मैं इरिटेट हो रहा हूँ कभी बोला नहीं इसे यूं होता था फोन हाँ ठीक है नहीं 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 सुनता नहीं पूरी बातें हो जाएगा सब सही जाएगा सब सही जाएगा एक एक बात याद भी होती थी कि मैंने कब क्या चीज बोली अगर आप पूछें तो याद होगी अच्छा तो मैं कभी ऐसी खुद भूल जाऊँ और मैं ये बात बोलूँ नहीं तुमने तो कहा था ये ऐसी थी हाँ इस दिन गई थी ठीक है तो इमोशनल हो रही थी जब आप टूवर्ड्स दानिश जा रही थी टूवर्ड्स द स्टेज जा रही थी क्या डर लग रहा था क्या हो रहा था जबकि 6 साल से जानती हैं सब हो गया निकाह भी हो गया नहीं जब तक आप साथ नहीं रहते आप जाते नहीं ना एक दूसरे के साथ नहीं रहते आप मुझे लगता है नहीं जानते हम लोग माशाल्लाह 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं मगर जितना इन 30 डेज में मैं दानिश को जानती हूँ उतना शायद मैं 6 साल में नहीं जानती नहीं जान और बहुत पॉजिटिव है मतलब आप जब दूर होते हैं तो मुझे लगता है आप सब कुछ सोचते हैं यहाँ एक आता है नेगेटिव और यहाँ पे आता है पॉजिटिव और यहाँ पे आता है नहीं हो जाएगा गुजारा वाला तो वो तीनों हटा के हुआ कि नहीं अच्छा है जो भी है बस ये है तो माशाल्लाह जो भी है बस ये है आई वाज स्वीट अब क्योंकि जो भी है बस यही है मेरे पास भी जो भी है वो एक ब्रेक है तो मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे जाना जरूरी है उसके बाद वापस आएंगे पूछेंगे रोई थी ये नहीं रोई थी और कितना रोती हूँ मुझे लगता है ज़्यादा रोती है लेकिन आपको मज़ीद वीडियोस दिखाएंगे कहीं मत जाएगा उसके अलावा आपके लिए इनामात भी हैं तो कहीं नहीं जाएगा बहुत बहुत ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान को हम सब की तरफ से ईद मुबारक देखते रहिए जागो पाकिस्तान ये ईद जागो पाकिस्तान जागो जागो पाकिस्तान जागो ईद मुबारक पाकिस्तान आप सबको और पाकिस्तान से बाहर जितने भी रहने वाले हैं जहाँ जो हमें अभी देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से हम सब की तरफ से हमारे शो पे दानिश और आयजा मौजूद हैं इधर आप सबको बड़ा इंतज़ार था इनका तो हमने बुला लिया अपनी शादी की कहानी सुना रहे हैं मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं आपके घरों में कलेजी आ गई होगी अब तक बहुत सारे घरों में खाना बनना स्टार्ट भी हो गया होगा और
अब तक अपने दोस्तों और अजीजों को ईद की मुबारकबाद दे चुके होंगे? वैसे पहले तो मैसेज करते थे, और अब आजकल क्योंकि मोबाइल फोन्स के रेट्स भी थोड़े सस्ते हो गए तो कॉल कर लेते हैं ना ईद मुबारक करने के लिए, वो भी ख़त्म हो गया है। हाँ, कर लेते हैं। और जब बात आती है ईद की मुबारकबाद की और मोबाइल फोन्स की, तो हम कैसे भूल सकते हैं क्यू मोबाइल को, क्यू मोबाइल X11 को कैसे भूल सकते हैं? ये राजी, अब क्योंकि ईद है, मैं जानती हूँ बकरा ईद पे ईदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ हैं, ये यहाँ हैं, ईद का मौका है, तो हम कैसे अपनी ऑडियंस को कुछ ना दें? एक सवाल दानिश आयजा, मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस से पूछें, सही जवाब जो देगा उसको क्यू मोबाइल का X11 मिलेगा, जिसमें एंड्रॉयड 4.4 किटकैट है, डुअल कोर है, 4GB रैम, 512MB रोम, 3.5 LCD डिस्प्ले, ब्लूटूथ, 3G, बहुत कुछ है। अच्छा ये बताइए कि हमारी मेहंदी किस दिन थी? अगस्त में, ठीक है, सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ हाथ उठाएंगे, पहले सवाल पूछ ले। अच्छा चलो जी, आप बताइए, आप बताइए। 20 अगस्त पीछे वाली को भी दे दें, उनको दे दें प्लीज। आई वाज थिंकिंग 8 अगस्त अगेन। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, 9 अगस्त, 13th August या 15th August? ऐसे नहीं। अब जिसने जवाब नहीं दिया वो जवाब दे, लाए मुझे माइक दे, मैं 15 कौन बोल रहा है? आयजा किससे पूछना है? मैं आके आ जाओ जल्दी पूछेंगे। अच्छा फिर मिलेगा, अभी ना फोन मिलेगा। हाँ मिलेगा। अच्छा कौन? अच्छा आप बताओ। अच्छा अगर कोई सही भी बोलेगा तो बाद में फिर दिया जाएगा। हाँ लेकिन एक ही दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं बताओ ना, अगर कोई सही नहीं बोल दे जिससे पूछ ले आपको जो सही जवाब मिल जाए। ब्लू 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 9th अगस्त। जवाब मिला कोई? आयजा मिलेगा तो मेरे एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक है, फोन नहीं है ये। अच्छा आप नहीं, आप बताओ। 13 अगस्त। दानिश सही बोला है। क्या बोला उन्होंने? 13 बोल रही है। चले ठीक है। ये दानिश और आयजा की तरफ से आपके लिए, आप देना पसंद करेंगी? मोबाइल की तरफ से। हाँ बिल्कुल, ईद मुबारक, जोरदार लगी। कितना अच्छा लगता है ना आयजा जब आप जीतते हैं, लेकिन कितना बुरा लग रहा होता है ना उन लोगों को जो साथ में बैठे हुए होते हैं, आपको देख रहे होते हैं जीतते हुए। अच्छा सबको लगता है सारे इवेंट्स जो है वो जीतने के बाद। हाँ यही तो कहने वाला था मैं, यही कहने वाला था। अरे मैंने वही कहा, वही कहा था मैंने। अच्छा हाँ इतने मजे की वो कह रही, मैंने 15 कहा था ना, मेरा 15 कहा था ना, लेकिन है तो 13 था। वो तो मैंने ब्लफ किया था, ब्लफ। मैंने बोला हाँ 15, किसने बोला था? सबने बोला हाँ। भाई एक्टर्स हैं दोनों के दोनों, आप लोग ने हल्का लिया है, क्या हो गया है? अच्छा अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप सामने दानिश की तस्वीर रखी है, एक झाड़ू रखा है और कुछ विक, कोई विक रखी हुई है वाइट। तो आयजा सबसे पहले आपको कहूंगी मेरे साथ इधर आए, एक जुमला बनाना है इन तीनों चीजों को जहन में रखते हुए, एक जुमला। अच्छा दानिश तुमने कभी विक नहीं पहनी, झाड़ू नूरली दे देगा। झाड़ू है, एक विक है और दानिश की तस्वीर, तस्वीर है दाढ़ी में। दूंगी फोन, क्या बहुत सारा पूरे पाकिस्तान का प्यार आपके साथ है, और भी कुछ है लेकिन अब ये दानिश के लिए है। हाँ ये तो परफेक्ट जाएगा ना। आयजा ने बेलन से सिलाई। जी दानिश आपका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक से चटनी चढ़ाई। चटनी कहाँ है? Where's the चटनी? मैं तो अपनी तरफ से बोल रहा हूँ यार, तुम एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? कद्दू चटाया। कद्दू? अच्छा ये कद्दू की रोटी बनाई आयजा ने। नो बेलन
बेलन से. आयजा ने तरबूज बेलन से काटा, तोड़ा और दानिश को खिलाया. फोन है ये. फोन है चूड़ियां हैं, दानिश की तस्वीर है. बकरीद की चांद रात को आयजा ने फोन किया क्यू मोबाइल से दानिश को और बोला कि अगर तुम चूड़ियां लेकर नहीं आए तो मैं ये तस्वीर पे माला लटका दूंगी. सॉरी आयजा, पॉइंट्स वो लेकर. खैर कोई बात नहीं, पॉइंट्स आप. मैं इधर टीम में बैठी हूँ शायद. यहाँ जाती हूँ ना फिर मैं यूं करती रहूंगी. सुनो, ये मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट है. आयजा बोलेंगे मैं सुन लूंगी. अच्छा मुझे ये बताएं, जब निकाह पहली दफा पेपर्स पे साइन किया, क्या पहला ख्याल, दिल में क्या डर लग रहा था, क्या रहा था, खौफ था घर वालों को छोड़ने का, क्या था? अच्छा पहले जब मेरा तो जब निकाह नामा के लिए साइन करने के लिए आया, क्योंकि मेरी हाँ होती है ना, पहले लड़की की हाँ होती है, तो वो जब आया तो मुझे ये था कि अच्छा बहुत आसान है, ड्रामास में आपने किया है ना ये, हाँ, साइन किया ये. हो गई भाई मुबारक हो. अच्छा उस वक्त आया मैं, पहले मुझे ये था अच्छा फोटोग्राफर कहाँ, अच्छा ये कहाँ, अच्छा ध्यान इधर तो बटा हुआ था ना उस वक्त, निकाह का पता नहीं था कि क्या चीज़ है. अच्छा जब वो साइन उन्होंने जब मुझसे पूछा ना एक दफ़ा, वो एक दफ़ा पूछते रहे, उसके बाद जब उन्होंने पूछा ना आपका निकाह दानिश तैमूर वसीम तैमूरी से हुआ हुआ जा रहा है, आपको कबूल है, वहाँ मुझे लगा ये क्या हो रहा है. वहाँ मैंने एक दफ़ा बोला कबूल है, फिर मुझे रोना आया क्योंकि मेरे पापा थे सामने. मेरे पापा वैसे ही बहुत मतलब पता लग जाते हैं उनकी आँखों से ना कि वो रो देते हैं, कभी भी रो देते. एक ही बेटी है, सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मुझसे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, पहली वो बेटी, तो उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनसे. तो उस वक्त उनकी शक्ल मैंने साइन की और उनको देखा और वो मेरा हुआ कि हाँ कबूल है. लेकिन वो चीज़ जो होती है ना कि आपकी ज़िंदगी, मुझे लगता है वो एक लफ्ज़ बदल देते हैं कि आपको निकाह कबूल है. रियल लाइफ की जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी कोई एक्ट आउट कर ही नहीं सकता, और हम शायद बता भी नहीं सकते. अभी आप पूछेंगे भी तो हम बहुत सारी चीजें बता नहीं सकते, लेकिन दिखा जरूर सकते हैं. चल के देखते हैं. ये वाला है. ओह सो स्वीट. ये आप इधर देखे, आपने नहीं देखा है. ये था ना, वो ठंडे हाथ हो गए थे मेरे. वो मैं इतना सारा रोई थी उसके बाद, वो कह रहे पिक्चर्स, मैंने कहा आईज बेड हो रही है, अच्छा मैं आपका प्रोफाइल चीट करता हूँ, कुछ करें कि खत्म हो जाए. ये कॉन्सेप्ट किसका था तस्वीरों का? ऐसे उसी का, काशिफ का. वेरी नाइस. ये निकाह के बाद हो रही थी फोटोशूट. हाँ मेरा निकाह हो गया था दानिश के पास, वो निकाह के लिए गए थे, तो उस वक्त का वो टाइम था कि मैं इंतजार कर रही थी कि दानिश. हाँ तो ये मेरा घर है. ये दानिश के घर में सब. ओ यहाँ तो वो खुशियाँ तो देखे दानिश की. यस शी इज माइन. और इस तो मुझे इतनी शर्म आई थी, वो सामने भी नहीं आ रही थी ना, मैं कहा जा रही हूँ. अब तो निकाह हो गया था क्या, मतलब निकाह के बाद मुझे शर्म आ रही थी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा. वो क्या था, अब मैं इसकी हो गई, अब मैं क्या करूँ. हाँ और मुझे रोना भी आ रहा था ना अंदर से. दानिश के सामने रोई नहीं, रोई रो चुकी थी मैं. रोती तो मजाक उड़ाते दानिश. दानिश हाँ आप भुला ले. मेरी अम्मी है सबने बना. वेरी स्वीट. बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बहुत मजा आया देख के, बहुत अच्छी थी. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल से आप लोग भी हमारे साथ पहली दफ़ा देख रहे हैं. फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सीरियसली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. वेरी नाइस. जितने लोग देख रहे होंगे उनको भी बहुत मज़ा आया होगा. तो मुझे बताओ कि रोई बहुत ज़्यादा रोई हमने देखा. तो क्यों क्यों हाँ क्यों पता नहीं क्यों, पर डर लग रहा है एक नई जिंदगी का नया आगाज, एक नया सफर. नहीं, ये कुछ नहीं होता, एक मुझे लग रहा था एक बहुत ज्यादा खुशी होती है ना इंसान को. बिल्कुल. और exactly, फिर एक वो बड़ी ब्लेसफुल फीलिंग होती है जब आप सिग्नेचर कर रहे होते हैं. मेरे घर में जो निकाह है लड़कों के, वो नॉर्मली मस्जिद में होते हैं जाके,
तो अब निका से तकरीबन 10 मिनट पहले आप जब मस्जिद में जाके बैठ गए और उस वक्त आप बड़े होते हाँ हाँ बस अभी ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये तो नहीं सोचा था ना जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा होता है ना जैसे अब मुझे बुलाने वाले तो आपको लगता था यार अब हाँ और जब आप साइन करते हैं ना ऐसा लगता है कि एकदम से चीज़ें आपकी तब्दील हो गई हैं चेंज हो जाता है सब कुछ ऐसे नहीं लगता कि ओ बस आई एम द डूड भाई अब मेरी बीवी अब कोई आए तो सामने अब बताता हूँ एक ये फैक्टर भी होता है एक फैक्टर ये होता है कि आप सिंगल से डबल हो गए हैं अब चीज़ों को तब्दील हो जाएंगी आगे जाके बहुत और बस दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दोनों की किस्मत अच्छी करे एक दूसरे के लिए बातें होती रहेंगी लेकिन उससे पहले ब्रेक लेना बहुत जरूरी है कहीं मत जाएगा देखते रहिए जागो पाकिस्तान जागो ईद मुबारक पाकिस्तान टेक अ ब्रेक जागो पाकिस्तान जागो जागो पाकिस्तान जागो मुबारक टू एवरीबडी इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग जागो पाकिस्तान जागो देख रहे हैं आप सबको बहुत बहुत पूरी दिल से ईद मुबारक मजे से मना रहे कि नहीं ये ईद और मजेदार होगी आपकी चल के देखते हैं आयजा और दानिश की शादी की वीडियो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग अबे बेड टेस्ट पहले बोली थी सुनो गिराना मत उफ ये ऊपर बैठा रहे हैं ना तब हाँ वो पालकी थी ना पूरी और सब तैयार थे ना कि अब सारे कजन से कितनी हैवी थी अच्छी अब देखेगा सब ये और तो मुझे डर लग रहा था कि ऊपर कुछ लगेगा सर पे क्योंकि सब ने आके बाद में मुझे ताया नहीं आके बताया बहुत हैवी थी ये कंधे इनकी कमरे कैसी हैं ठीक है सब इतनी ये सब दुबई में कोई भी नहीं होते मेरे कजिन्स यहाँ पे आए सब स्पेशली आए थे और उनसे मैंने ये सब कराया जो उन्होंने देखा ही नहीं कभी शादियों में बहुत खूबसूरत ये मेरा भाई है वेरी नाया का बेटा है और इंटीरियर भी बहुत मजे का बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड हमने गोल्ड में रखा था ना रेड एंड गोल्ड तो ये सब डिसीजन आयजा के थे कपड़े कुछ करने से पहले जाने से पहले कुछ ये करने वाली हूँ अच्छा करके आप बताओ फिर अब सब पिक्चर्स वगैरह भेजती रहती थी क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वीडियो दिखाएंगे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली जागो पाकिस्तान जागो पे पहली दफ़ा आयजा और दानिश की तस्वीरें उनकी वीडियो आपके सामने इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए हमारे साथ ये एंट्री हर लड़की का ख्वाब होता है कि मैं इस तरीके से एंटर करूँ ये जो अभी एंट्री आपने देखी आयजा की एंट्री थी अब हम दिखाएंगे हमारे दुल्हा दानिश तैमूर किस तरीके से अपनी एंट्री मनाते हैं देखते हैं मेरी सारी फैमिली है सारी मेरे ताया और यार शूट बहुत अच्छी हुई थी दानिश का भाई ओहो स्टाइल दानिश अच्छा दुल्हे कितने एक्साइटेड आगे चल रहे हैं पीछे पूरी फैमिली छोड़ असल में वो लेट हो गए थे अच्छा लेट हो गए थे कुछ जल्दी अंदर की बातें हमें पता चल रही है लेट हो गए थे 10:30 आए थे आप अराउंड 10:30 दानिश जल्दी हो रही थी जाने की आगे देख लूं आयजा को कैसी लग रही है हां लेकिन अभी आयजा थी नहीं जब मेरी एंट्री थी तो आयजा बाद में पालकी में आई थी ओके मैं ताया चाचू सारे लोग मैं अम्मी कितने लोगों से हाथ मिलाना है ना शादी पे क्योंकि सब एक एक करके एक मेहंदी में सुबह किसी की फ्लाइट थी 4 बजे कोई आ रहा था कोई शादी में आ रहा था तो दानिश से एक एक करके मिल रहे थे सब अच्छा अगर वो वाला उन्होंने कैमरा बंद दिया ना इतने सारे लोग थे सिर्फ पिक्चर्स ले रहे थे हमारी इतने सारे लोग ये तो अच्छी बात है ना कितनी पिक्चर्स आई होंगी हम जाते थे मतलब शादी वलीमे के बाद हम रात में आए हैं चेंज करके आए हैं तो फेसबुक पे सारी जा चुकी होती थी पिक्चर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी जरूरत नहीं पड़ती थी वो मैरिड नहीं कोई जरूरत नहीं हो गई जाहिर
अच्छा वो भी तो था हमारी ड्रामों में अक्सर काफी दफा शादियां हुई हैं दानिश हर ड्रामे में शादी हर ड्रामे में शादी है उस शादी और इस शादी में क्या डिफरेंट लगा हाँ हाँ सेटिंग तो बहुत ही अच्छी थी ये मुझे कहना पड़ेगा ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंट था सारा इस दफा मैं असल में दुल्हन को घर लेके जा रहा था वो मेरी हो गई है हाँ वो एक फीलिंग अलग होती है शादी में ऑब्वियसली आप एक्ट कर रहे होते हैं यहाँ आप एक्ट नहीं कर रहे एक्ट नहीं कर सकते चले हम देखते हैं कि क्योंकि आप दोनों कितने साल से एक साथ हैं अब शादी भी हो गई है देखते हैं कंपैटिबिलिटी है या फिर ऐसी शादी हो गई तो आपसे सवाल पूछेंगे कि जब जितना टाइम आप लोगों ने साथ गुजारा है चेक करते कितनी कंपैटिबिलिटी है लेकिन उससे पहले दोनों ओथ लेंगे कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे ओके जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा हाँ, पक्का तुमने पूरा नहीं बोला ऐसा अच्छा। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी जी पूरा अच्छा। जो भी कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी और अगर सच कुछ ज्यादा हो गया तो सॉरी भी कह दूंगी घर जाके ताकि डांट ना पड़े ठीक है आयजा सबसे पहला सवाल आपके लिए दानिश को अगर 3 ऑप्शंस दिए जाए वो क्या खाना पसंद करेंगे बिरयानी निहारी या कढ़ाई कढ़ाई आपके हाथ में सच और झूठ है आप मुझे बताओ दानिश को आयजा की क्या चीज पसंद है आंखें बाल या नाक टाइम जा रहा है टिक टिक नाक तड़ा तुक्के मार रही हो तुम नहीं ये तुक्का तुक्का था वो तो हर वक्त हर चीज की तारीफ होती है ना कभी आंख की कभी भाई क्या क्या नाक क्या नाक अगला सवाल मेरा अगला सवाल ये है कि अगर दानिश शूट पे गया हुआ हो और देर में आए रात को लेट में आए तो क्या आप इंतजार करेंगी या खाना खा लेगी क्या करूंगी मैं खाना खा लेती हूँ क्या सच या झूठ क्या बोला इन्होंने मैं पहले क्लियर कर दूं एक्चुअली होता ही है कि जब शूट पर होते हैं आप तो आपको पता नहीं होता आप रात में 11 बजे वापस आएंगे या 12 बजे तो मैंने इसको कहा हुआ है कि रात के खाने पे वेट ना करना मेरा फिर मैं अपनी अब्बू सबके साथ खा लेती हूँ सब तो क्योंकि उन्होंने कहा है इसलिए आप खाना खा लेती हैं वरना आप इंतजार करती वरना मुझे डांट पड़ जाती है खाना क्यों नहीं खाया तुमने रात हो गई क्या प्यार है ऐसा ही होना चाहिए ठीक है आयजा को अगर बॉलीवुड फिल्म ऑफर हो तो दानिश का रिएक्शन क्या होगा गुस्सा बहुत खुशी आयजा की मर्जी जो वो करना चाहे आयजा की मर्जी जो करना चाहे यार मैं सब जानता हूँ यार बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है आयजा की बेस्ट सारा कुछ सच बोला है आयजा की बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है बेस्ट फ्रेंड नाम बताना मेरी अम्मी है तो नाम दिया है तो मुझे नहीं पता देखो मैं सब जानता हूँ सारी बात अगर रात के 3 बज रहे हो तेज बारिश हो और आयजा दानिश को गहरी नींद से उठाकर बोले कि प्लीज आइसक्रीम खाने ले चलो तो दानिश क्या करेगा ऑप्शंस है ऑप्शंस नहीं है क्या करेंगे बारिश हुई थी तो दानिश की अम्मी कही थी आयजा नहीं दुल्हन है इसको लेके जाओ बाहर दानिश की अम्मी क्योंकि मैं बोल चुकी थी ना पहले दिन का दानिश ने कहा बाद में यार अभी यार मतलब सीओ हालात देखो लेकिन जब अम्मी ने बोला ना इनकी अम्मी ने कि जाओ लेके जाओ लेके मैंने कहा नहीं अम्मी मैं नहीं जाती मुझे पसंद ही नहीं है समंदर मैंने कहा मुझे पसंद ही नहीं अच्छा भैया अच्छा छत पे लेके जाओ उसको फिर ये छत पे लेके गए वो भी शुक्र है कि छत पे लेके चले गए लेके जाके फोन पे बात कर रहे थे ना वो एक फिल्म की इनकी नेक्स्ट की कॉल आई वो पूरा स्क्रिप्ट सुन रहे थे वो बारिश के उत्ते दे सब बता दिया मैंने अब आपकी बारी देखते हैं आप दानिश को कितना जानती हैं दानिश मुझे कितना जानती हैं नहीं नहीं मैं तो जानता हूं इतना सब बता दिया मैंने हां दानिश तो जानते हैं उन्होंने सब बता दिया अब देखते हैं कि आप कितना जानती हैं लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक कहीं मत जाइएगा आपको जाने नहीं देंगे और आप जाइएगा मत आप भी इधर हैं आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जागो पाकिस्तान जागो जागो पाकिस्तान जागो
ईद मुबारक पाकिस्तान, होपफुली ईद अच्छी गुजरी और क्यों ना गुजरे। जब हमारे साथ दानिश तैमूर और आयजा खान मौजूद है, आयजा अच्छा लगता है अभी भी खान अपने नाम के साथ, ये अच्छा लगता है कि दानिश का नाम, दानिश अच्छा लगता है सुनना। हमारे साथ आयजा दानिश मौजूद है, ठीक है। रैपिड फायर क्विकली क्विकली सवाल पूछूंगी, जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे। आयजा ज्यादा सोचती, दानिश तेज तेज जवाब देता है, कॉम्पिटिशन सख्त है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ एक फिल्म होती तो उसका नाम क्या होता? जलेबी। बिल्कुल ठीक। अगर आयजा का वजन 100 kg होता तो फिर भी आप उससे मोहब्बत करते? मोहब्बत बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं इसको एक अच्छी सी ट्रेडमिल लाके दूंगा और कहूंगा कम ऑन कम ऑन डू इट। अगर एक कश्ती होती उसमें आप दोनों होते, लेकिन एक रह सकता बचने के लिए, अपने आप कूद जाते या फिर आयजा को धक्का दे देते? मैं कूद जाता। कूद जाते तो स्विमिंग आती है? स्मार्ट तो स्विमिंग आती है। आयजा मेकअप या मेकअप के बगैर? आयजा मेकअप के बगैर, ठीक है। आयजा के हाथ की बनी हुई जली हुई रोटी या फिर पिज्जा? जलाओ। पिज्जा मजे का। दोनों में से कोई नहीं, कोई नहीं। आयजा शादी से पहले या शादी के बाद? आयजा शादी के बाद। शादी के बाद, वेरी स्वीट, तालियां होनी चाहिए। अगर दानिश एक्टर ना होते और इनका रिश्ता आता तो आप क्या करती? तो भी करती, सोच रही, तो भी करती। मतलब मैं, मुझे लगा ये पूछूंगी कि एक्टर ना होता तो क्या होता, मैंने कहा क्रिकेटर होता, मैं इसलिए सोचने लग गई थी क्वेश्चन आगे। क्रिकेटर होता, आपको लगता है क्रिकेटर होता? हाँ, अच्छी, अगर एक्टर नहीं होता तो क्रिकेटर होता और श्योर होता, ठीक है। दानिश आप, दानिश आपके लिए जान की बाजी लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं। लगाइए, कभी कोशिश की? मौका नहीं आया अभी तक, मौका नहीं आया, शुक्र अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका भी आए, ठीक है। दानिश लड़ाका या सादा? सादा। सादा, लड़ाका नहीं है? नहीं, ठीक है। दानिश ड्रामों में या फिल्मों में? फिल्म में, दानिश फिल्म में। और अगर फिल्म करने शुरू हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि एक आने वाली है, तो फिर ड्रामे छोड़ देंगे? बहुत कम करूँगा, वैसे मैंने कम ही कर दी है, मैं आगे मूवीज ही कर रहा हूँ। मुझे दानिश को फिल्म में देखना है बस, ये फिल्म आपकी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है इनकी फिल्म्स की। हाँ, कौन सी स्क्रिप्ट है मुझे बताओ। ड्रामे में दानिश सनम बलोच के साथ या आयजा दानिश के साथ? ये आप लोग बताएंगे। मुझे एज अ मतलब अगर मैं कोई ड्रामा देख रही हूँ तो मुझे आयजा और दानिश का और सनम का कपल अच्छा लगता है, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। कितनी बड़ी बात है कि खुद से कह रही है और कितनी ऑनेस्ट है यार। आई लव यू सो मच, वेरी स्वीट, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आयजा की इतनी बातें जो हम कर रहे हैं और दानिश और आयजा साथ आए हुए, कभी हुई नहीं किसी चैनल पे, तो बहुत कुछ एज अ व्यूअर आप लोग देखते हैं इनको ड्रामों में, आपको जो कैरेक्टर में आते हैं वही कैरेक्टर आप समझते हैं कि असल में ये ऐसे हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि दोनों कितने क्यूट हैं। आयजा ज़्यादा, आज पता लग गया कि मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बड़े लोग कहते हैं बहुत रोती है, बहुत रोती है, कितनी मासूम है। बेटा तुम बोलती क्यों नहीं? आज आंटी हो, आपको पता चला कितना बोलती है, हमें बोलने नहीं दे रही। अच्छा, आप कुछ सवाल है मेरे पास कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमने दो मंजर भी बनाए हुए हैं कि यहाँ या फिर यहाँ, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो मेरा पहला सवाल, दानिश एज बॉलीवुड स्टार या पश्तो मूवी में स्टार? तस्वीर देखिए और बताइए कौन सा बेहतर लग रहा है। Why not Bollywood यार? पहले पाकिस्तान के लिए तो कुछ कर लें, उसके बाद हाँ बाहर भी। Definitely. दानिश in Pakistan या फिर out of country abroad, देखते हैं। ये कहाँ है? अच्छा यहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा दानिश। मुझे दानिश कायदे आजम के मजार। वाह। 10 साल बाद कहाँ? अकेले तो कराची में ही शायद। Right answer. तो कराची में शायद। साथ जाएंगे तो मैं साथ हूँ। हाँ, जाऊंगी फिर वहाँ भी एक बंदा खड़ा होगा। ये तो पहले ही इतने कमिट करा लिया ना कि आपने जहाँ जाना है जिस शूट में बाहर जाएंगे तो मैंने साथ जाऊंगी। साथ जाऊंगी, ठीक है। दानिश बिजनेसमैन या फिर रिक्शे वाला? बिजनेसमैन कहाँ से लग रहा है, वो रिक्शे वाला इतना मोटा मैं। हमने बनाया भाई, क्या तभी तो देखो यार, 10 साल बाद है दानिश, 10 साल, 10 साल का 20 साल बाद भी आई एम श्योर मेरी टमी नहीं निकलने वाली है। चलो बिजनेसमैन, नहीं एक्टर, एक्टर गुड एक्टर, और अगर कुछ ज्यादा हो गए तो डायरेक्टर, ठीक है। अब आयजा आपकी बारी, ठीक है। आई एम एक्साइटेड कि आपकी क्या तस्वीरें आने वाली है। मैं सोच रही हूं कैसे आने वाली है। 10 साल बाद आयजा फैट या थिन? ये बहुत बुरा है, बहुत
आप बताएं। 10 साल बाद आयजा दो बच्चे या फिर 15 बच्चे क्रिकेट की टीम से भी ज्यादा। मुझे क्यूट तो 15 लग रहे हैं लेकिन रियलिस्टिकली 2-3। ये आयजा के जवाब दानिश क्यों देता है? गो अहेड, आप बताइए। सॉरी देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो अल्लाह को पता है। ये वाली तो चीजें हम नहीं बता करते। How sweet। आज से 10 साल बाद आयजा शेफ या पॉलिटिशियन? आपको कुछ नहीं पता होता अपनी किस्मत का, वो कहाँ ले जाए। वैसे मुझे लगता है शेफ ज्यादा। नहीं, मुझे लगता है पॉलिटिशियन। नॉट बैड, झूठ तो बर्दाश्त ही नहीं है ना, तो गलत बात तो नहीं बर्दाश्त। हमने आपको निकाह दिखाया, हमने आपको मेहंदी दिखाई, हमने आपको रुखसती भी दिखा दी, मगर अगर ये सब दिखा दिया तो वलीमा कैसे ना दिखाएं? चल के वलीमे की वीडियो देखें थोड़ी सी। वीडियोस आपने हमारे साथ शेयर की, हम जितने भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उनको देखने का चांस दिया। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कोई थैंक यू सो मच। कोई नोट, कोई एंडिंग नोट, कोई बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं उन सब लोगों से जो आपसे मोहब्बत करते हैं, इस ईद पे कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो हमेशा अपने सारे इंटरव्यूज में एक ही बात कहता हूँ कि स्टे यूनाइटेड। हम सब मुख्तलिफ नहीं हैं, सब एक हैं। आप अपने पास से किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी को हेल्प आउट कर सकते हैं, तो जस्ट गो अहेड प्लीज। और मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगी कि रिलेशनशिप, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो एक नए घर जाके हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, सब में प्यार बहुत ज़रूरी होता है। आप हर चीज़ को प्यार से बदल सकते हैं। और रिस्पेक्ट भी, प्यार और रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इन दोनों को इंशाल्लाह मदर्स और फादर्स डे पे भी बुलाएं कभी ना कभी ज़रूर। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, सबको प्यार बांटिए और गोश्त भी बांटिए, कंजूसी मत कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। कहीं मत जाइएगा, कल सुबह इंतज़ार कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जागो पाकिस्तान।